कौसर, संभालें आप अपने आप को, सब्र करें। मैं आज घर जा रही हूँ। ताबिश के इंतकाल को 10 दिन हो गए हैं भाई साहब, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कौसर संभालो अपने आप को प्लीज। सब्र करो। कैसे सब्र करो सबिया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। ऐसा महसूस होता है जैसे यहीं कहीं से पुकारता हो, आ जाएगा। मैं आपके कर्म को समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। बहन अगर कुछ दिन और रुक जाती है रूमी के साथ तो बेटर था, अभी तो वो इद्दत में है। हम कुछ भी कर लें लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं से शायद उसको थोड़ा सा हौसला आ जाए और उसका अकेलापन भी कुछ खत्म हो। भाई साहब, यह अकेलापन तो अब रूमी को सारी जिंदगी झेलना है। मुझे लगता है कि मैं उसकी नजरों के सामने से हटूंगी तो वो अपने आप को संभाल पाएगी। वैसे भी आप लोग तो मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं, और अब उसका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा आपके सिवा कोई सहारा नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, रूमी हमारे लिए अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। हम ताबिश की कमी तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन उसका ख्याल उसी तरह रखेंगे। जी भाई साहब, मुझे पता है आप लोग मेरी रूमी का बहुत ख्याल रखेंगे। ताबिश मेरा बेटा था, मेरा दुख बहुत बड़ा सही, लेकिन रूमी को देखकर मेरा दिल कटता है। उस बच्ची ने अभी देखा ही क्या था, हर वक्त ताबिश उसके आगे पीछे घूमता रहता था। न जाने किसकी नजर लग गई दोनों को, जवानी में बेबी का रोग लग गया उसे, और मेरा पोता बाप से महरूम हो गया। बस कौसर, मैं हौसला करी, अब तो हम सबको ही एक दूसरे का सहारा बनना है। हौसला।